सालों के बाद, पता नहीं 10-20 साल के बाद, मैं और नसीर एक जगह साथ में खड़े हैं। और हमारे साथ खड़े होने की वजह ये है कि जो मिस्टर नायर थे, उन्होंने हम दोनों की ज़िंदगी और हमारे जैसे कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। और उन्होंने सिर्फ फिल्म को प्रिजर्व नहीं किया, जो उन्होंने किया नेशनल फिल्म आर्काइव में, उन्होंने हम जैसे गधों को सिनेमा भी सिखाया। उन्होंने हमको पढ़ाया कि सिनेमा क्या है। और हम समझते हैं कि इस देश में ऐसे आदमी को जितनी उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। आपके मीडिया के माध्यम से अगर जो मंत्री लोग इस बात को हमारी सुन रहे हैं और अगर हमारी थोड़ी इज्जत करते हैं, तो नायर साहब को सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड दिया जाना चाहिए ताकि रिकग्निशन हो। इसलिए नहीं सिर्फ कि नायर साहब पद्म भूषण या विभूषण हो गए, क्योंकि उसको देख के फिर और लोग भी वो काम करेंगे जो नायर साहब ने किया, तो उनकी जो प्रतिभा थी वो और फैलेगी, ऐसा हम समझते हैं। मेरे ख्याल से नायर साहब से बड़ा सिनेमा का आशिक दुनिया में हो नहीं सकता। फिल्म हमेशा से कल्चर का बहुत बड़ा शीशा आईना रही है, और अगर फिल्म की आर्काइविंग ठीक से नहीं होगी तो जो हमसे आगे सदियां आएंगी उनको पता नहीं चलेगा कि किस तरह का लोग एक्चुअली जीते कैसे थे। तो बहुत ज़रूरी है, और ये नायर साहब की किताब आई होप इनकरेज करेगी गवर्नमेंट को और बाकी के फिल्म इंस्टीट्यूशंस को टू प्रोसेस एंड कीप फिल्म सिक्योर। बहुत ज़रूरी है। जो हमने पहली फिल्म नसीर के साथ बनाई थी सत्यकथा, और उसमें नसीर ने एब्सोल्युटली कमाल का काम किया था। एक पुलिस वाले का रोल किया था, यू रिमेंबर दैट होल फिल्म, ये थे और ओमपुरी थे। वो फिल्म कभी कहीं है ही नहीं। वो हमने टेलीविजन के लिए शूट की थी 10 साल पहले। मैं दूरदर्शन गया, उसका नाम नेगेटिव है ना वो फिल्म। अब वो हिस्टोरिकल फिल्म है, वो पहली फिल्म है जो नसीर और मैंने और ओमपुरी ने साथ में बनाई थी, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। तो बहुत दिल हमारा ऐसा है कि जलता है कि हमारा काम, सबका काम खत्म हो गया। कि मतलब आप 100 साल पहले की फिल्में तो की तो बात छोड़िए, हमारी जिंदगी की बात कर। हमारी ऐसी कई फिल्में हैं जिनके नेगेटिव गायब हो गए हैं, जिनका कहीं कोई प्रिंट नहीं मिलता, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में। तो बहुत अफसोस होता है इस बात का। अगर आप पुस्तक पढ़ें और नसीर साहब ने पढ़ी, उसमें हमारा नाम है कि हमने कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया क्योंकि ये काम होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं इन जैसे वो कर रहे हैं, और ये होना ही चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना हमारा काम है।